जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ हरियाणा में और यहाँ पर फूल कुमार जी हैं और उन्होंने ये शहतूत लगाए रखा है। तो बाबू जी, ये कौन सी वैरायटी है? ये व्हाइट मालबेरी है। मालबेरी, ये देखें खाने में कैसा है और ये क्या रेट मिल रहा है, क्योंकि अब इसका चलन काफी बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। ये बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा, और आजकल खरखोदा मंडी में है, मंडी में एक आध आता है। एक आध है? हाँ, तो वो 500 रुपये, 550 रुपये, 450 रुपये दरी के हिसाब से 5 किलो का। 5 किलो का, यानी कि 100 रुपये किलो के लगभग, मानो आप 100 रुपये के आसपास, 100 रुपये के आसपास बिकता है। और ये खाने में कैसा है, लगता कब है ये? बहुत मीठा है, अब ये पकने लग रहा है। पकने लग रहा है, अब ये समझ लो फरवरी में ये फूल आए थे, फुटाव लेता है। हाँ। और फुटाव के साथ ये शहतूत आता है। और एक पेड़ पे जो कि हम देख पा रहे हैं, ये काफी बड़ा पेड़ है, तो इस पे बाबू जी कितने लग रहे होंगे इस पे? हाँ, जोशना बुलाए थे 1.5-2 क्विंटल है। अच्छा भाई, बहुत तो पक लिए। हाँ, पक लिए। ये देखे 15 दिन हो गए पकते हुए, इसमें लगता ही ज्यादा है, गुच्छों में लगता है। तोड़ते जाओ, खाते जाओ। बाबू जी, इसका पौधा तैयार बीज से आराम से हो जाता है? ग्राफ्टिंग का है, ग्राफ्टिंग का ये पौधा है। 250 रुपये का लगा था ये। अच्छा, आज से 5 साल पहले। 5 साल का हो गया ये पेड़। तो किसान साथियों, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये सभी तैयार हैं, ये व्हाइट वाले। अब तो लोग जो फॉरेन से वैरायटी आ रही छोटी छोटी, उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे देश में भी काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं। आप इनको लें, या किसी किसान साथी के पास अगर ये लग रहे हों तो इनके ये शहतूत ले आएं और साफ पानी से धोकर बीज निकाल के इनके मसल के हाथ से, और फिर आप इनको लगा दें, तो ये फिर पौधे तैयार हो जाएंगे। 3 साल बाद इसमें ये लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसकी जो जो लगता है, ये काफी मात्रा में लगता है, आप ये देखें। और कोई खाद वगैरह केयर करने की, और कोई पेस्टिसाइड वगैरह की, बाबू जी आपने अब तक किया है उसमें कुछ? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, सिर्फ खाद पानी और कुछ नहीं। खाद भी इसमें कहाँ दे रहे हो अब तुम? अब कहाँ दे रहे हैं, कब दिया था? जब छोटा पौधा था तब दिया था। हाँ। अब तो कुछ भी नहीं। हाँ, और इसकी आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसको छांव के लिए लगाते हैं ना बाबू जी? छाया के लिए लगाते, छाया के लिए, कि बैठने के लिए नीचे या पशु वगैरह बनते वहाँ लगा देते हैं। अगर किसी को कहीं ना भी मिले तो मेरे पास आ जाओ, देख लो। बाबू जी एड्रेस बताना। फूलकुंवर, गांव थाना कला, तहसील खरखोदा, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा। केएमपी के साथ में है। केएमपी के साथ में खरखोदा टूल है, पीपली बोलते हैं जिसको। खरखोदा क्या शहर है, तहसील है? क्या है? तहसील है हमारी, तहसील है। अच्छा, यहाँ IMT बन रहा है पीपली, उससे 2 किलोमीटर आ जाओ। अच्छा, आगे कुंडली के साइड वहाँ पे मेरा खेत है। आगे देखो, अब आप अगर आना चाहें तो यहाँ से शहतूत भी आप खा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और बीज ले जाना चाहो, शहतूत ले जाना चाहो, तो आपकी इच्छा है। वो ये कोई पैसे वैसे में नहीं बेचते, फ्री। बाबू जी क्या सब फ्री? ये देखो, इसमें काफी अच्छी मात्रा में लगते हैं। इसकी 2 किस्में हैं, एक ब्लैक है, वो साइज थोड़ा बड़ा होता है, और एक ये व्हाइट है, ये थोड़ा छोटा होता है, लेकिन मिठास इसमें सबसे ज्यादा होता है। ब्लैक भी लगा रखा था। अच्छा, ब्लैक भी था। अगले साल लग जाएगा ब्लैक भी। तो किसान साथियों, वीडियो देखा, धन्यवाद, जय हिंद।